चिकन की बारी है। फर्स्ट गया लेग पीस, आपको दिखने में पता चला कितना टेस्टी बनने जा रहा है अभी, बहुत ही शानदार। इसका कलेजी वाली चाहिए क्या? नमक का मुझे पता नहीं चला, मुझे इतना पता है बस टेस्टी आ रहा है बस खाली। अभी हमारे पास बन के रेडी हो चुकी है ग्रेवी, ये हमने चावल रखे अभी पंखे के अंदर ताकि इसका पानी वो सूख जाए। चिकन आपको आया, और पहले उनका कॉल आया कि बोले आ जाना चिकन, हम लोग सब लोग और साथ ही में लेकर आए थे, वहां से आए थे ना, तो आप लोगों को कॉल किया तो कॉल नहीं उठाया सर, तो आप लोग सो रहे थे ना, पहले राइस राइस हो जाएगा, फिर इसके बाद चिकन बनाना। आप तो उनको तो पसंद आया होगा इसको उन, और जिन्होंने चिकन बनाया था नहीं ऐसा कहते हैं ना कि जो चीज और हाथ से बनाते हैं ना, जो इंसान हाथ से बनाता है वो चाहे कितनी भी बिगड़ी उसके लिए बहुत अच्छी होती है वो और कितना किलो लाए थे चिकन? 1.5 किलो लाए थे शायद, आधा किलो तो बची गया वो, आधा किलो से ज्यादा ज्यादा ही था आधा किलो, वो सारे पीस पीस ऐसे ही पड़े थे उसके अंदर। तो फिर आप लोग फिर और बाहर गए खाने के लिए? हम लोग हाँ मोड़ी बिगड़ गया होगा मैंने 8 टिफिन मंगाए थे, उसमें से 6 टिफिन यूज हो चुके, तो 2 टिफिन वहां पड़े थे, और रोटी रोटी शायद किसी ने खाई भी नहीं थी उसके अंदर से। और बोला मैं इसके अंदर रहूं कि नहीं रहूं, इस रूम का खास तौर पे ध्यान रखना है, इस हॉल का किचन वचन एरिया एकदम पूरा ध्यान रखना है, इस मैं रहूं या ना रहूं, ठीक है? और डाल दो उसमें, डाल दो उसमें 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 लोगों को खोल देता हूं उसको। 204 कौन सा है? 202 हाँ वो पानी वाला आ गया ना, अभी तो आ गया। आगे क्या मनीष जी? ओ मनीष जी बस आप ही को याद कर रहे थे अभी पीछे 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 देखो कहाँ नहीं वहां तो शिफ्ट होगी, कब से हो गया मैं तो यहाँ, तो वो खाना बना चिकन विकन बना रहे थे इसलिए ठीक है ठीक है। और लड़के लोगों को भेजू क्या भाई? उनको फोन कर दो ना उनको यार, उसको मदद करा दे इनकी यार। हाँ कहाँ मैस का? तो बाकी छोड़ दो, मैस का तो मैस का खाना तो खाने में होता था, कल मैंने कालूपुर का खाना खाया, नाश्ता कर दोगे? पर कल सुबह 3-4 बजे की बात है, स्वीट्स लेने के गया था वापस, बबल भाई इतना और सभी जगह के लिए समोसे के अंदर और ड्राई फ्रूट। पहले मुझे समझ में नहीं आया कि जब मैंने खाया ना, खाने के बाद मुझे 5 मिनट जब मुझे महसूस हुआ कि यार ये चिकन तो चिकन नहीं लग रहा है, कुछ और ही चीज़ बन गई है, फिर मुझे पता चला कि ये चिकन इतना क्यों बच गया है इतना बच गया था चिकन, इतना इतना पूरा इतना इतना सारे सारे पीस तो इसी के अंदर पड़े थे। और पैन डालना क्या चावल में? पक गए कच्चे, थोड़े कच्चे, थोड़े थोड़े से कच्चे। आज हम चिकन बना रहे हैं, वो कौन बना रहा देखो, मास्टर शेफ हमारे। हाय हाय, अरे तुम तो किसका वो भी डाल रहा उसमें, कौन सा वाला? डाइट का और क्या, लेडीज लोगों को पता रहता है कि वो इतना पानी डाल देती है ना, तो उतने पानी में चावल पक्का रेडी हो जाता है, अपन साला 10 बार पानी डाल देंगे उसके अंदर, इतना तो साला पेट बड़ा हो जाता है।
हमारे चावल में कुछ डाउट है, इसलिए चावल का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। हाँ थोड़ा और पंखे में रख देते इसको, वो स्टील वाला इसमें काम करेगा। अरे जो चाय बनाएगा ना स्टील वाला, वो काम करेगा। ये हमने चावल रखे अभी पंखे के अंदर ताकि इसका पानी मुझे सूख जाए। चलो अभी वैसे तो पक चुके हैं चावल। चावल में ऊपर देखो, ऊपर से करना जब पानी पानी निकल देना। और जल गया बर्तन, चढ़ गया ना नीचे। पानी कितना डाले थे इसके अंदर? दो लीटर डाला। हाँ नहीं, कभी भी चावल को तुम जो बोले ना वो प्रेशर राइस कुकर में ठीक है, बर्तन में बनाना है उसको ज्यादा पानी चाहिए, उसको ज्यादा चाहिए सब कुकर। चिकन परियाले चिकन का बेस्ट टेस्ट काफ़ी बेटर होगा। ये किचन का उसने वो बनाया था, इसने बहुत अच्छा बनाया था। पता नहीं क्या अच्छा, पता नहीं कौन सा आटा था। हमारा उड़ीसा का एक आदमी चिकन बेसर बना के पूरा इंटरनेशनल फेमस है। हाँ हाँ, वो खेत में बनाता है। उड़ीसा का मैं उसको देखता हूँ, उसके ब्लॉग तमिल का, वो कितना टेस्टी बना रहा है। साला चिकन बेसर मतलब उसमें क्या है ना, जो राई का पेस्ट है ना, वो स्पेशल एक पेस्ट बनेगा। मेरे को आता है वो बनाना। साला कैसे बनाता है वो, थोड़ा सा बनाता है वो, कितना क्वांटिटी में बनाता है वो, वो खेत में बनाता है ज्यादातर, उसकी पूरी टीम है। ऐसे बोलता वो एकदम बिल्कुल डिट्टो कॉपी। चिकन की रेसिपी बनाई है, इसमें शक्कर है क्या? एक डब्बा शक्कर इसके अंदर यार। बोलो तेल डाल दिया। हाँ फिर उसके बाद तेल, मेरे को साउथ से आती पर हिंदी भी बोलूंगा। वो साउथ आप साथ में ऐसे ही बोलना जैसा वो बोलता है ना। हरा मिर्चा, फिर अभी हम बनाने जा रहे हैं साउथ के अंदर, जो भी आपको आई नो क्या आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आज हम चिकन बनाएंगे साउथ की स्टाइल में। साई किरण आज हमारे हैं साथ में, मास्टर शेफ जो जो कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही लाजवाब। प्याज स्वाद अनुसार। चम्मच है, चम्मच है, टमाटर हाँ इतना बहुत है टमाटर। रात को लोगों ने पता क्या होगा, बोले टमाटर नहीं काटने चक्कर में ये डाल दिया होगा। चटनी है तो सॉस हो, और ये लेग पीस, ये इसका कलेजी वाली चीज है क्या? लीवर, लीवर और एक्चुअली खुशबू कब आता है, ये जो मसाला पकता है ना उधर कितना अच्छा खुशबू आ रहा है, स्वाद का टेस्ट यही रहता है वो। और यही मसाला इसके अंदर ज़्यादा तभी टेस्ट लगता है अपन को, एक्चुअली जो होता है टेस्ट अच्छा। हाँ और ग्रेवी अच्छा होना चाहिए। अभी हमारे पास ये बन के रेडी हो चुकी है ग्रेवी, बहुत ही टेस्टी, जिनको तैयार किया है ब्रदर ने, आज बहुत मज़ा आने वाला है। कल रात को जो मज़ा नहीं आया, लेकिन आज रात को ज़रूर मज़ा आएगा। दो दो पीस लाए थे क्या गार्लिक? उसमें खत्म हो गया।
अच्छा एक ला, आज ला देता हूँ गार्लिक पेस्ट। मैं भी आ गया था अपना पावर बैंक लेने के लिए, क्योंकि मेरे पास चार्जिंग ख़त्म होने वाला था और शूट हो नहीं पाएगा इसलिए। तो आज हम चिकन बनाने जा रहे हैं। कल रात को जो चिकन बनाया था वो तो वेस्ट हो गया था, ड्यू टू फाउंडर कोई और थे चिकन के, और प्रोड्यूसर कोई और थे, कास्ट किसी ने और किया था, प्रोड्यूस कोई और थे, और ऑर्गेनाइजेशन करने वाले कोई और थे, इसलिए किचन सब मिक्सअप हो गया था। तो हमने सोचा कि फिर से बनाते हैं। कौन आया है, खुशबू आ रही है यहाँ तक, नीचे तक खुशबू आ रही है, सेकंड फ्लोर पर बन रहा है लेकिन खुशबू यहाँ तक आ रही है, नीचे तक आ रही है, नीचे तक कसम से नीचे फ्लोर तो खुशबू आ रही है। देखो हमारा ग्रेवी एकदम बनकर रेडी हो चुका है, आपको आई थिंक देखने से पता चल रहा होगा कि हाँ कितना टेस्टी है। चेक करो चिकन की बारी, ये फर्स्ट गया लेग पीस, आपको देखने में पता चल रहा होगा कितना टेस्टी बनने जा रहा है अभी ये। अगर आप भी ऐसे बाहर रहते हो बैचुलर्स, या आप अगर आप भी ऐसा कुछ करते हो तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स के अंदर कि आप भी ऐसी कुछ लाइफ जी रहे हो क्या बैचुलर्स वाली। पर बैचुलर्स की लाइफ बहुत अच्छी होती है, सब कुछ इंडिपेंडेंस होता है और काफ़ी सारी चीज़ें कुछ सीखने को मिलती है एक दूसरे के साथ में, और मैंने भी यहाँ सीखी है यहाँ रहकर। वाओ गुड, बन चुका एकदम टेस्टी अभी है, इसका एक फ़ोटो क्लिक कर लेता हूँ थंबनेल के लिए। देखेंगे बोला तुम दिन को भी चिकन पहले हो। इस तरीके से बनाते हैं ना वो लोग, कसम से इतना मजा आता ना खाने में, इतना मजा आता, सारा मटेरियल वेस्ट गया, मेहनत वेस्ट हो गया, मेहनत वेस्ट, इतना मतलब वो दिल लगा कर लाए थे ना सब लोग। तो इसमें पानी डालना पड़ेगा अपन को भी, थोड़ा हाई टेम्परेचर में दो मिनट ऐसे तो पक जाएगा फिर ये। हाँ थोड़ा सा ठीक है ना, कहाँ तक गया जैसे। अब आया मास्टर शेफ चेक करने के लिए, अब फाइनल टच, फाइनल टच देने के लिए शेफ। कैसा है, गुड ठीक है। आज आज मंगा ली, हाँ नॉनवेज के अंदर ही है, वो दही क्यों डालते हैं ये लोग, खुशबू आ रहा है क्या इसमें, दिखाता हूँ आपको मैं, मास्टर साहब हमारे फाइनल टच देने के लिए। अब नितांश भाई देखेंगे, बड़े दिन में भी पेल दी क्या तुम लोग, वो तो कट हो जाएगा इसमें, वो सब आ जाएगा भाग के। ये तो वो तो जब तक अपन खा लेंगे, शाम हो जाएगा ड्यूटी पे चढ़ जाएंगे तब लोग अपलोड करूंगा, इतना जल्दी नहीं होगा अपलोड। मतलब अपने खाने के बाद 8-9 घंटे बाद पता चलेगा कि यहाँ बोले कि यहाँ चिकन भी बनाता है इधर। और कौन है, बस अपन ही तो लोग हैं, वो नहीं खाता यार, कौन बहुत ही शानदार। और 2 मिनट चलेगा, और यहाँ मिशन कंप्लीट हुआ, हम सक्सेस।
ये प्रोजेक्ट पूरा हुआ बहुत कम टाइम में। चावल में रंग तो यही भरेगा। मुझे ज्यादा नहीं ठीक है। अभी चलते हैं सोने के लिए। अभी चिकन विकन खा लिया हम सबने मिलके। अब जाके ब्लॉग एडिट करेंगे, उसके बाद सोऊंगा मैं। ठीक है।